आप गए थे किसी प्रोड्यूसर के पास, कुछ था तो उसने कहा बॉडी आपने वहाँ पे दिखाई एंड देन सेट की मुझे मेरा हीरो मिल गया। सो वॉज इट लाइक दैट, या स्टार्टअप हुआ कैसे था? तो मेरी स्टार्टअप की दुनिया शुरू हुई थी बॉडी दिखा के, और आज तक उसी पे जी रहा हूँ और उसी पे सब कुछ चल रहा है। मतलब मेरी रिसर्च सही थी? सही। अच्छा, मैं बड़े दिन से जो है ना ये सोच रहा था कल से डाइटिंग पक्की, मुझे ना इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। दिल्ली वाले कभी डाइट कर नहीं सकते, चाट छोड़ दोगे? हाँ, भाई आई विल नॉट हैव एनीथिंग। आपकी यही चीज है जो सबसे अलग है कि शार्क टैंक पूछा तो मतलब ये नहीं है कि अच्छा कंपटीशन है या अच्छा ठीक है और आ जाओ भाई। एब्सोल्युटली, हम इंडियन है, हम 100% इंडियन प्रोडक्ट है, आई एम अ प्राउडली इंडियन ब्रांड। नॉर्मली स्टार्स को हम चेज करते हैं, वो एक मोमेंट था जब मैं प्राउड एंड इमोशनल फादर वाज चेजिंग। इसीलिए भी क्योंकि आई नीडेड टू थैंक पीपल आल्सो फॉर ऑल दैट दे हैव डन, क्योंकि आहान की जब फिल्म रिलीज होगी नहीं होगी नो चांस होगी, ओटीटी पे जाएगी नहीं जाएगी। अच्छा ना, बचपन में आपकी फिल्में मैं देखता था, बड़ा हुआ तो आपके बेटे की फिल्मों का रिव्यू करता हूँ, बट एक चीज सेम है, द पॉजिटिविटी यू हैव, जो एक ऑरा है आपका, मतलब मिला नहीं था मैं अब तक, वी हैव स्पोकन ऑन जूम एंड वो, तो एक जो पॉजिटिविटी निकल के आती है ना वो एक अलग ही निकल के आती है। और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में मीडिया में जब आपके बारे में बात होती है ना तो इन अ वेरी पॉजिटिव व्यू होती है। बेस्ट, आई थिंक यू नो वही प्यार रहा है जिस वजह से हूँ मैं, पिछले 7 साल से इंडस्ट्री में ही नहीं हूँ, वैसे देखा जाएगा तो बिट्स एंड पीसेस में था, 4 साल की गैप पहले फिर 3 साल, बट आई थिंक वही प्यार ने बचा के रखा है मुझे, सो थैंक द ऑलमाइटी। एंड नॉट ओनली यू, योर टीम ऑल्सो सेम ऑरा, मतलब आई स्पोक टू विजय एंड मतलब वो जो एक चीज आई थिंक आपने ना इनहेरिट की है अपने लोगों में भी। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट भी करते हो, यू नो, पीपल हु कीप यू हैप्पी, पीपल हु डोंट आर नॉट योर ट्रिगर पॉइंट्स। मैं हमेशा, मेरा कहना है कि ट्रिगर पॉइंट अगर नेगेटिव हो तो उसको हटा दो, और ट्रिगर पॉइंट्स को हटा दो और पॉजिटिव, जो लोग आपको पॉजिटिव फील देते हैं और एक हमेशा यार एनर्जी के साथ रहते हैं, आई थिंक उनके साथ जुड़े रहो तो खुश भी रहोगे। आई थिंक अ वे ऑफ सीकिंग जॉय फॉर योर सेल्फ इज ऑल्सो दैट। एक मैं वाक्य का जिक्र करना चाहूँगा जो अन्ना के साथ, मैं कई साल से कोशिश कर रहा था आपसे मेरी बातचीत हो, मेरा इंटरव्यू हो, वन डे सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम योर ऑफिस कि अन्ना आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो वाक्या आप बताएं कि अ प्राउड फादर, नॉर्मली स्टार्स को हम चेज करते हैं, बट दैट वो एक मोमेंट था जब एन अ प्राउड एंड इमोशनल फादर वॉज चेजिंग कि मैं अपनी बात जो है वो दुनिया को बताना चाहता हूँ, हाउ प्राउड आई एम। एब्सोल्युटली, और वो इसीलिए भी क्योंकि आई नीडेड टू थैंक पीपल ऑल्सो फॉर ऑल दैट दे हैव डन, क्योंकि आहान की जब फिल्म रिलीज होगी नहीं होगी नो चांस होगी, ओटीटी पे जाएगी नहीं जाएगी, वन मैन सपोर्ट्स यू, साजिद नादियादवाला उसेज नहीं, अगर ये बच्चे की फिल्म रिलीज होगी तो सिर्फ और सिर्फ ऑन द लार्ज स्क्रीन। ओमिक्रॉन फ्राइडे रिलीज, वेनेसडे को ओमिक्रॉन, थिएटर्स बंद होंगे नहीं होंगे 50% पे आ गया, एंड स्टिल मैनेजिंग टू सक्सीड, स्टिल मैनेजिंग द लव इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस राइट। और तब जिन जिन्होंने भी सपोर्ट किया उन्हें थैंक करना बहुत ज़रूरी भी था और उनसे बात करना बहुत ज़रूरी भी था, तो आई थिंक इट वॉज अ फादर मोर देन एनीथिंग एल्स। इट वॉज अ फादर, और यही मुझे लगता है कि दिस पॉजिटिविटी ओनली, मुझे लगता है आहान को भी कहीं ना कहीं इस पॉजिटिविटी का बहुत फायदा मिला। आई पर्सनली फील सो, डेफिनेटली हुआ फायदा, डेफिनेटली, क्योंकि जब आप अच्छा किसी के लिए सोचते हो या कोई आपके लिए अच्छा सोचता है तो आपके इर्द गिर्द वालों को भी के लिए भी अच्छा ही सोचता है। आज जो आप पॉजिटिविटी मुझ में देखते हो आप विजय में भी देखते हो, यू नो, एंड पॉसिबली इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर। विजय के वजह से शायद मैं पॉजिटिव हूँ और शायद विजय पॉजिटिव है या मेरी बाकी की टीम पॉजिटिव है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑल दिस वर्क्स फॉर द गुड। यहाँ पॉजिटिव का मतलब दूसरा वाला।
इस बार क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ आप करने? हॉर्स स्टेबल जूनियर इसलिए क्योंकि 10 से लेके 16 17 साल के बच्चों को मौका दिया जाएगा। आप में अगर हुनर है, आप में अगर टैलेंट है इनोवेशन का, तो हम चाहेंगे कि आप आपकी एंट्री हमें भेजिए, हम आपको उन कोऑपरेट से कनेक्ट करेंगे जिनकी CSR फंड्स है, जो आपको ग्रांट दे के आपके आइडियाज़ को इनोवेशंस और बिजनेस आइडियाज़ में कन्वर्ट करने के लिए विद द सपोर्ट ऑफ अमिताभ कांत जी, नीति आयोग, डॉक्टर चिंतन, अटल इनक्यूबेशन मिशन एंड दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी विजन है कि इंडिया शुड बी द नंबर वन वर्ल्ड फॉर स्टार्टअप्स। और आजकल के बच्चे ऐसे भी 4 साल के बच्चे 14 साल के दिमाग लेकर आ रहे हैं, बहुत तेज है, बहुत फोकस्ड है, बहुत ही ऑनेस्ट है। आज की जनरेशन छल कपट नहीं पता उन्हें झूठ बोलना नहीं मालूम, दे आर ब्रूटली ऑनेस्ट। और आई थिंक ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए, तो सुपर एक्साइटेड। मुझे लगता है कि आपने छोटे बच्चों को एक मौका दे रहे हैं टाटा बिरला अंबानी नए निकलने का। Absolutely. मतलब दिस इज ये जितना मुझे लगता है आपने बताया है, दिस इज वे बिगर देन। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि और इसको अगर आप एक्सप्लेन करें अपने थोड़े फिल्मी अंदाज में भी, क्योंकि ये चीज ना आई थिंक बिकॉज फिल्म से एक ऐसा मीडियम है ना जिससे समझ बहुत जल्दी आती है। नहीं, एब्सोल्युटली, जैसे कि आप कहो कि अगर एक्टिंग की सारी भूत भी उनके अंदर डाल दी, they'll be able to present themselves very well. Good over evil, हमेशा अच्छाई prevail होती है। तो वैसा ही है कि अगर आप में आइडिया है और आपके पास एक आइडिया है, इनोवेशन है, आपने कुछ टेक में, आपने कुछ एडुकेशन में या किसी भी चीज़ में अगर आपने कुछ नया इनोवेट किया हुआ है, वी विल बी दैट व्हील्स इन मोशन फॉर यू, वी विल कनेक्ट यू, वी विल ट्रेन यू, वी विल ऑब्जर्व यू, वी विल अंडरस्टैंड यू, और हमारे टीम के साथ मिल के हम प्रेजेंट करेंगे कोऑपरेट्स को आपके आइडियाज़ को कि आप हमें बैक कीजिए ताकि हम मस्क बने या कोई भी ऐसा एक ब्रांड बने जो इंडिया से दुनिया को बताए कि यू नो वी हैव इट इन अस, बिकॉज एनीवेज आई बिलीव वी आर द ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड। आप आईटी लीजिए, आप मेडिसिन लीजिए, साइंस लीजिए, टेक लीजिए, हर एक चीज़ में। आज स्पोर्ट्स भी आप देखोगे तो IPL इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड। सो यू नो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते भी यही है कि इंडिया बिकम्स द कंट्री ऑफ यूनिकॉर्न्स। शायद इनमें से एक यूनिकॉर्न, इसमें एक यूनिकॉर्न बैठा हुआ, बिल्कुल बैठा हुआ, और एक नहीं मुझे लगता कई होंगे। यू विल हैव अ टफ चॉइस। एंड आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी, क्योंकि सीजन आफ्टर सीजन हम लेके आ सकते हैं। और हम ही नहीं, कोई भी पूछे, कोई मुझसे पूछ रहा था कि व्हाट अबाउट शार्क टैंक, आई सेड व्हाट अबाउट शार्क टैंक, शार्क टैंक भी अच्छा ही कर रहा है ना, 50 और एंटरप्रेन्योर्स को काम दे रहा है, तो इट्स ओके, वी गॉट बिलियन पीपल, या व्हाट द हेल। जितने भी शोज आए, जितने भी सक्सेस स्टोरीज आए, मैं तो खुश होऊंगा। एंड आई डोंट कंसिडर एनीथिंग एज कॉम्पिटिशन, आई कंसिडर कि वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल, सो वाई नॉट। आपकी यही चीज़ है जो सबसे अलग है कि शार्क टैंक पूछा तो मतलब ये नहीं है कि अच्छा कंपटीशन है या अच्छा ठीक है और आ जाओ भाई। एब्सोल्युटली, हम इंडियन है, हम 100% इंडियन प्रोडक्ट है, आई एम अ प्राउडली इंडियन ब्रांड, backed by people with a mission, and mission is to make India a country of entrepreneurs, of startups. So I am blessed anyway, so usse zyada kya mang sakta hu. Acha, startups ki jab baat hoti hai to I think your startup was also very inspirational. Yes. To main mujhe uske bare mein bhi janna, because main aapse na abhi aaj kisi ki aur baat nahi karne wala hu. It's all about Sunil Shetty and शेट्टी एंड सन्स, नथिंग। मतलब बिकॉज जब आपके साथ में सुनील शेट्टी बैठे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बाकी की बातों की कोई जगह होती नहीं है। सो अबाउट यूर स्टार्ट, एक किस्सा मैंने सुना था कि आई डोंट नो इट इज ट्रू और नॉट, शायद सच्ची है, कि आप गए थे किसी प्रोड्यूसर के पास, कुछ था तो उसने कहा बॉडी आपने वहां पर दिखाई एंड देन सेट की मुझे मेरा हीरो मिल गया। सो वॉज इट लाइक दैट, या स्टार्टअप हुआ कैसे था? आई थिंक ये स्टार्टअप हुआ ही JP सिंगल साहब के वहाँ, तो वहाँ जब मैं गया था, एक्चुअली राजीव राय ने मुझे देखा था एक शो में, एंड ही सॉ माय एक्शन, ही सेंड मी टू JP सिंगल, JP सिंगल सॉ द बॉडी और बोले ऐसे बॉडी तो किसी है ही नहीं, तो ही शॉट मी विद द बॉडी ओनली फर्स्ट। आई थिंक वो पहली मेरी फोटोशूट थी जो सिंगल साहब ने बॉडी के साथ शूट की, और उन्होंने पोस्टर्स बनाए थे, और जो भी जाता था वो पोस्टर्स देख के
वो चित कर देते थे। उसके बाद मुझे एक और फौलाद मिली, ऑफ कोर्स फिल्म दूसरी शुरू हुई, लेकिन मेरी जर्नी शुरू हुई उसी की वजह से। तो मेरी स्टार्टअप की दुनिया शुरू हुई थी बॉडी दिखा के, और आज तक उसी पे जी रहा हूँ और उसी पे सब कुछ चल रहा है, विच इज़ गुड। जो एक्शन की इमेज है वो है, बरकरार है, और हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन मुश्किल भी है, क्योंकि वो एनर्जी और आज की एनर्जी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोग एक्सपेक्ट आपसे वही करते हैं, या कि सुनील शेट्टी यानी एक्शन। तो मेरे जो शोज़ दो, जो शोज़ भी मैं कंप्लीट किया हूँ, हार्डकोर एक्शन किया हूँ मैं, करना पड़ा। मतलब मेरी रिसर्च सही थी? सही, एब्सोल्युटली सही। अच्छा, मैं बड़े दिन से जो है ना ये सोच रहा था, कल से डाइटिंग पक्की, मुझे ना इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी। दिल्ली वाले कभी डाइट कर मतलब नहीं सकते। अब जो है ना, अब हो ही नहीं सकता कि मतलब आज अन्ना के बगल में बैठने के बाद अब मुझे लग रहा है कि अब तो आज से पक्की चाट छोड़ दोगे? हाँ, मुझे भाई आई विल नॉट हैव एनीथिंग। चाय पूछ रहे थे, मैं नहीं चाट नहीं खाता हूँ। नहीं खाता? पराठे? कुछ नहीं। अच्छा, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। टी? तो अभी आके उन्होंने मुझसे पूछा कि चाय पियोगे, तो बिकॉज ही मस्ट बी फॉलोइंग मी, कि आई लव टी, तो आई सेड कि नहीं, पहले इंटरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। अच्छा, व्हाट यू डू फॉर फिटनेस? बिकॉज आपके जो वीडियोस होते हैं, आप एयरपोर्ट पे वॉक कर रहे हैं या कुछ है, मतलब उसको 10 बार मैं देखता हूँ कि मतलब यार भाई, ये हाउ कैन यू बी सो फिट अभी भी? आई थिंक यू नो, एक तो मेंटली आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग, और मैंने ठान लिया कि हफ्ते में 6 दिन तो ट्रेनिंग करूँगा ही करूँगा, तो 45 मिनट्स to 1 hour ट्रेनिंग करता ही हूँ। खाना मैं मेजर करके खाता हूँ, आई हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट बाला नाम का, जो ऑनलाइन है और मुझे न्यूट्रिशन टिप्स देता रहता है वीक ऑन वीक, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आई फॉलो हिम टू द टी। मेजर्ड खाना होता, इनफ खाना, ये नहीं कि कम नहीं, लेकिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सो आई अवॉइड शुगर एज मच एज पॉसिबल, आई अवॉइड मिल्क एज मच एज पॉसिबल, और ग्लूटेन जो है फूड में उसको मैं अवॉइड करता हूँ, और तेल मेरी लिमिटेड क्वांटिटी होती है, प्रॉबेबली 15 to 20 grams ऑफ ऑयल थ्रू द डे। तो आई थिंक बस यही बेसिक्स है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साउथ इंडियन हूँ, चावल भी खाऊंगा, इडली भी खाऊंगा, डोसा भी खाऊंगा, और हमेशा सबसे कहता हूँ कि जहाँ के भी तुम हो वो खाना खाओ, लेकिन बैलेंस करके खाना खाओ, क्योंकि ये हेल्थ फूड और एक्सपेंसिव खाना ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब इस सब में बाला रॉक्स, बाला रॉक्स, बाला एब्सोल्युटली, हम भी ढूंढ लेंगे बाला। बाला फिटर, बाला पे फिटर पे है, और FITTR जो है ऐप, और मेरे लिए मेरा गुरु है, बिकॉज ही चेंज्ड माय लाइफ। अच्छा, अहान के स्टार्टअप के बारे में भी मैं आपसे जानना, जो स्टार्टअप की बात है कि हाउ, हालांकि मैंने आपसे पूछा था लेकिन वो जूम पे बात थी, अब मैं आमने सामने भी एक बार उस चीज़ को, हालांकि अभी थोड़े दिन पहले आई गॉट अ चांस टू इंटरव्यू अहान, बट ही वॉज इन अ लो नेटवर्क एरिया, सो वो वी कुडंट कनेक्ट। एंड जब तड़प का टेलीविजन प्रीमियर होना था, सो आई थॉट कि मेरा इंटरव्यू होता है तो मैं उन्हें वो वाला किस्सा सुनाऊंगा कि हाउ दैट हैपन, बट वो बाई चांस हो नहीं पाया। सो हाउ दैट स्टार्टअप हैपन फॉर अहान? आई थिंक अहान बचपन से ही चाहता था हमेशा कि वो फिल्मों में आए, क्योंकि नेचुरली घर का माहौल देखकर, एंड द लव एंड एडुलेशन दैट ही सीज, उसे हमेशा लगा था कि एक्टर बनना है, और स्कूल में, स्टेज, कॉलेज में, सब कुछ वो हमेशा करता रहा। एंड देन आई स्पोक टू माई फ्रेंड, ये खड़ा हुआ है वो विक्रम राजदान वहाँ पर, ही वॉज द वन हु वर्क्स वेरी वेरी क्लोजली विद साजिद भाई, और सभी लोग पीछे पड़े हुए थे कि यार अहान को लॉन्च करना। तो मैंने विक्रम से कहा, यार आई थिंक द राइट मैन टू लॉन्च हिम इज साजिद नादियादवाला। तो विक्रम ने इमीजिएटली साजिद भाई से ऐसे ही बात की, और साजिद भाई ने बोला वाई नॉट। और मैं हमेशा चाहता था कि साजिद नादियादवाला लॉन्च करे, क्योंकि अगर मर्द कोई है इंडस्ट्री में तो वो साजिद नादियादवाला है। एक बार किसी बच्चे का हाथ पकड़ लेता है, सक्सेस हो फेलियर हो, वो छोड़ेगा नहीं। एंड दैट इज़ वॉट आई नीडेड, आई नीडेड समवन हु वॉज अ मैन एंड नॉट समवन हु वॉज गोइंग टू एक्सप्लॉइट माई सन फॉर प्रॉफिट्स, क्योंकि वो उसके लिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि पहली पिक्चर में मैं कर लूँ, निचोड़ लूँ, चल गया तो तुक्का, नहीं चला तो छोड़ दूँ। बट साहिबा इज़ नॉट समवन हुज़ लाइक दैट, ही बैक्स यू कम्प्लीटली, ही गिव्स यू द फ्रीडम कि आ जाओ,
जो फिल्में करना है करो, डजंट मैटर, लेकिन मुझसे पूछे करना ताकि तुम गलती ना करो. इसीलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए, लेकिन ताकि तुम गलती नहीं करो. तो आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ इट इज. तो अब यू गाइड हिम कि, या अभी उनको छोड़ दिया कि अब एक फिल्म सक्सेसफुल हो गई एंड अब आप देखो? नहीं 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 नहीं, छोड़ दिया है लेकिन नहीं भी छोड़ा है, क्योंकि हर वो सब्जेक्ट जो उसके पास आता है वो चाहता कि मैं सुनूं. एंड मैंने हमेशा कहा है कि बी अ मास हीरो, एंटरटेन पीपल, बिल्ड योर लव फॉर पीपल, डोंट डू एनीथिंग राइट नाउ विच विल गेट यू अवे फ्रॉम योर टीयर टू टीयर थ्री ऑडियंस, बिकॉज इंडिया इज मास, सिनेमा इज मास. आपको OTT का स्टार ही नहीं बनना है, आपको सिनेमा स्टार बनना है. अपने आप OTT और सैटेलाइट के स्टार बन जाओगे. तो कोशिश यही है कि एक्शन, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, लार्जर देन लाइफ सिनेमा वो करे, और वैसा ही सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं. फॉर्चुनेटली फॉर आन, क्योंकि फिजिक उसकी ऐसी है तो आर्मी, पुलिस, रॉ, ऐसे सब्जेक्ट्स, ट्रू स्टोरीज बहुत आ रहे हैं, विच इज़ फैंटेस्टिक. क्योंकि मेरे लिए भी बॉर्डर ही वो एक फिल्म है जिसने मुझे स्टैम्प कर दिया कि मैं एक आर्मी वाला ही हूँ. आर्मी वाले, BSF वाले, CRPF हो, सब मुझसे इसीलिए प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसीलिए प्यार करते हैं, बिकॉज ऑफ बॉर्डर. तो मैं भी चाहता हूँ कि आहन को वही प्यार मिले, एंड दैट्स हाउ वी रन, बट वी कीप इट सिंपल. बाकी उसकी डिसीशन है, वो करना न करना उसकी डिसीशन है. लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर मी, पापा का सुनता है वो और एडवाइस ज़रूर लेता है. लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि करे जो उसको करना है. तो आप दोनों को साथ में देखेंगे हम कभी? मतलब मज़ा आ जाएगा स्क्रीन पे? फिलहाल तो टाइम उसका है, एंड आई थिंक इट्स अनफेयर ऑफ मी टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विद हिम, बिकॉज प्रॉबली आई एम नॉट वेयर आई शुड बी, एंड ही इज़ वेर ही नीड्स टू बी. एंड व्हेन यू आर इन अ सर्टन पोजिशन, आई डोंट वॉन्ट टू हैव माई इम्पैक्ट ऑन हिम राइट नाउ. क्योंकि मुझे याद है कि मैंने आपको बताया भी था, जब बॉर्डर देखी थी तो मैं शायद 7th-8th में था, तो मेरे किसी पड़ोसी ने देखी थी, तो उसने आके सबसे पहले मतलब वो बताया था, भाई उसमें सुनील शेट्टी होता है और रेत में लेटा हुआ होता है, और मतलब क्योंकि उस वक्त फिल्में इसी तरह से बताया जाता था. और वैसे आज भी वैसे ही बताया जाता है, हम भूल गए लोगों को ऐसे बताना, तो लोग वैसे ही बताएंगे जैसे देखेंगे ना. आज हीरो को देखेंगे तो किधर चश्मा पहन के ऐसे ही चलता रहेगा, वो हीरो थोड़ी रहा. इट फॉर सिनेमा यू गॉट टू बी लार्जर देन लाइफ, एंड बैक शॉट्स होना, एक्शन होना, एंटरटेन करना, माँ को भी पसंद आना, भाभी को भी पसंद आना, पिताजी को भी पसंद आना, वो बहुत ज़रूरी है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक हीरो में होना चाहिए कि अरे मैं तो ये नहीं हूँ यार. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ओनली सिनेमा कैन गिव यू दैट.